हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम चौरसिया में। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं सुबह गया था राशन लेने, राशन की दुकान पर, सरकारी राशन की दुकान पर। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही ना पूछो ना। और जब राशन की दुकान खुलने का टाइम आया तो भाई ऐसी भगदड़ मची कि पूछो ही ना। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ, देखिएगा कितनी ज़्यादा भगदड़ मची, लोग कैसे भाग रहे थे। फिर भी राशन हमको तो नहीं मिला, जो लोग पहले से लाइन में लगे हुए तो उनको मिला है। तो फिर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भाई साहब ये देखो कैसे लोग भाग रहे हैं राशन लेने के लिए। भाई साहब जैसे कि फ्री में मिल रहा, फ्री में तो मिल ही रहा है, तभी तो लोग ऐसे भाग रहे हैं। देखो तो, अरे बस रुक जाओ बस। थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल हो गया जब दुकान खुलने का टाइम आया, लेकिन फिर भी लोग झुंड बना के खड़े हुए थे। और कोरोना का किसी को भी डर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी सब कोई नहीं फॉलो कर रहा, सब ऐसे ही खड़े हुए हैं। देखिए तो सब, बस राशन मिल जाए किसी तरह, बस और कुछ नहीं। हम सब लोग दुकान खुलने का वेट कर रहे थे, लेकिन दुकान खुली नहीं थी। टाइम से ज़्यादा ही हो रहा, जो टाइम है उस टाइम पे दुकान खुली ही नहीं। कभी इधर दौड़ा रहे थे, कभी उधर दौड़ा रहे थे, बस लाइन ही लाइन में लगते रहो। दुकान खोलने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे वो लोग। इधर देखे, इधर भी लाइन लगी है, उसके दूसरी तरफ भी लाइन लगी हुई है। क्या करें, क्या बोल रहे हैं? टोकन नहीं मिलेगा, बिना टोकन वाले 3 बजे बाद। यार आदमी पर छुट्टी लेके यही करता है।